सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे व ऐतिहासिक टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने 46 रन व एक पारी के बड़े अंतर से जीत लिया है। आपको बता दें कि गुलाबी गेंद से खेले जा रहे इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच को भारतीय टीम को जीतने में एक क्षण भी दिक्कत नहीं आई। मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय टीम ने अपना दबदबा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही पहलू में बांग्लादेश की टीम पर भारी रखा, जिसके चलते तीसरे दिन का खेल अभी आधा भी नहीं हुआ था कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 46 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं मुकाबले की हाइलाइट्स पर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले दिन के खेल में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत बेहद ही धीमी रही क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जल्द ही गुलाबी गेंद से तेज तर्रार गेंदबाजी कराना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि पहली इनिंग में टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन कुछ इतना ज्यादा बेहतरीन था कि अभी बांग्लादेश की टीम अपने 31 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई थी और पूरी की पूरी टीम मैच 106 रनों पर ऑल आउट हो गई। इनमें सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए थे ईशान शर्मा ने, जिनके नाम 5 विकेट रहे थे। उसके बाद पहली इनिंग में उमेश यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए थे तो वही मोहम्मद शमी ने भी 2 विकेट अपने नाम कर लिए थे। अब बात करते हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी की। पहली इनिंग में भारतीय टीम ने जोरदार पलटवार किया और शुरुआत बेहद ही धमाकेदार थी। कप्तान विराट कोहली ने जहां मैदान में शतकीय पारी खेली तो वहीं दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे व चेतेश्वर पुजारा ने भी अर्धशतक लगाए थे। विराट कोहली की इस गुलाबी गेंद से शतकीय पारी के बाद 136 रनों के चलते भारतीय टीम का स्कोर 300 के पार जा चुका था और टीम ने 9 विकेट भी गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान विराट कोहली ने यह जरूरी समझा कि 347 रनों पर पारी को घोषित करना चाहिए क्योंकि दूसरे दिन के खेल में शाम के समय में गेंद ज्यादा स्विंग होने लग गया था। अब इस बात का फायदा दूसरी इनिंग्स में पूरी तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक बार फिर से उठाया। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि बांग्लादेश की टीम पर दूसरी इनिंग में 241 रनों की लीड बरकरार थी और जब टीम के गेंदबाजों ने दूसरी इनिंग्स में गेंदबाजी शुरू करी तो ईशांत शर्मा ने शुरुआती 10 ओवर्स में ही बांग्लादेश की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए थे। और दोस्तों बस फिर क्या होना था, विकेट्स लेने का सिलसिला कुछ इसी तरीके से चलता रहा और एक के बाद एक बांग्लादेश की टीम के सभी बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नापने लग गए। हालांकि इस दौरान मुशफिकुर रहीम ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। 96 गेंदों का सामना करके 94 रन उन्होंने अपनी पारी में जड़ दिए थे, लेकिन एक खिलाड़ी की बल्लेबाजी टीम को जिताने के लिए काफी नहीं होती। और फिर तीसरे दिन के खेल में पारी के 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर रहीम का विकेट लेकर उमेश यादव ने भारतीय टीम को मुकाबले में 95% वहीं जिता दिया था। अंतिम विकेट भी उमेश यादव ने ही अपने नाम किया और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट उमेश यादव के नाम पर रही। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से फिर भारतीय टीम ने 46 रनों के बड़े अंतर व एक पारी से इस मुकाबले को जीत लिया है। पिछले मुकाबले को भी भारतीय टीम ने 130 रनों के बड़े अंतर व पारी से जीता था। साथ ही दोस्तों आपको यह बता दें कप्तान विराट कोहली दुनिया के ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने पिछले 4 लगातार टेस्ट मुकाबले पारी के बड़े अंतर से जीते हैं। दुनिया का आज तक कोई भी कप्तान ऐसा बड़ा रिकॉर्ड तो अपने नाम नहीं कर सका है। साथ ही आपको बता दें कि विराट कोहली की कप्तानी के अंडर वर्ल्ड कप के बाद लगातार भारतीय टीम की यह 7वीं जीत भी है। इस मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट ईशांत शर्मा ने अपने नाम किए, जिनके नाम पर कुल 9 विकेट रहे। और दोस्तों भारतीय टीम की इस जीत से खुश होकर आप टीम के ऑलराउंड प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि शुरुआती ओवर में ईशांत शर्मा ने भारतीय टीम को 2 बड़े विकेट दिलवा दिए। दोस्तों ईशांत शर्मा की इसी तेज तर्रार गेंदबाजी के चलते बांग्लादेश की टीम के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी सबने अपेक्षा नहीं की थी। अब सभी को याद होगा कि पहले दिन के खेल में किस तरीके से मोहम्मद शमी की खतरनाक गेंदबाजी या फिर यूं कह लीजिए कि बाउंसर से बांग्लादेश की टीम के मुख्य खिलाड़ी धराशायी हो गए थे। 2 खिलाड़ियों को तो हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला ईशांत शर्मा की गेंदबाजी के दौरान। वाकया पारी के 5वें ओवर का। आपको बता दें कि गेंदबाजी करा रहे थे ईशांत शर्मा और बल्लेबाजी कर रहे थे खिलाड़ी मिथुन। ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक बेहद ही तेज तर्रार बाउंसर थी जाकर लगी सीधा मिथुन के हेलमेट पर और गेंद काफी ऊपर हवा में भी उछल गई। अब दोस्तों तस्वीरें देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंद जब इतनी ऊपर हवा में उछली है तो गेंद की गति क्या रही होगी। हेलमेट पर गेंद लगने के बाद मैदान में खड़ा प्रत्येक खिलाड़ी पूरी तरीके से चौंक चुका था। के बाद मैदानी अंपायर तो तुरंत दौड़कर मिथुन के पास गए ही, साथ ही ईशांत शर्मा ने भी मिथुन के कंधे पर हाथ रख के उनसे माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कप्तान विराट कोहली भी मिथुन के पास पहुंचे। उन्होंने ना सिर्फ बल्लेबाज मिथुन से उनका हालचाल पूछा बल्कि उन्हें सहानुभूति भी दी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने घेरा सा बना लिया था मिथुन के आसपास जब गेंद उनके हेलमेट पर लगी थी। इसे पता चल जाता है
कि भारतीय टीम के खिलाड़ी विरोधियों की कितनी इज्जत करना जानते हैं। पहले दिन के खेल में जब कुछ ऐसा ही वाक्य हुआ था तो विराट कोहली ने अपनी टीम के फिजियोथेरेपिस्ट तक को मैदान में बुला लिया था। और दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों की यही दरिया दिली है जो कि पूरे विश्व में टीम का सर गर्व से ऊंचा कर रही है। परंतु फिलहाल भारतीय टीम के खिलाड़ियों की शानदार गेंदबाजी पर आप सभी क्या कहना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। इसी दौरान मोहम्मद शमी ने मैदान पर आते ही कुछ ऐसा कर दिया कि तालियों की गड़गड़ाहट सारे ईडन गार्डन के स्टेडियम में सुनाई दे सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहम्मद शमी ने एक ऐसा शॉट लगा दिया था कि कप्तान विराट कोहली भी उनके दीवाने हो गए थे। पूरा वाक्य पारी के 89वें ओवर का। रन गेंदबाजी कर रहे थे गेंदबाज अबू जायद। स्ट्राइक पर खड़े थे मोहम्मद शमी, जिन्होंने हाल ही में आकर बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाला था। गिनीज ओवर की 5वीं गेंद जो की एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी थी, उस पर मोहम्मद शमी ने बिना जोर लगाते हुए एक बेहद ही आसान सा शॉट खेल दिया, लेकिन इसके बाद गेंद देखते ही देखते बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी और यह छक्का हो गया। दोस्तों मोहम्मद शमी ने उमेश यादव की तरह छक्का लगाने का प्रयास किया, जिसमें वह पूरी तरीके से सफल रहे। मोहम्मद शमी के इस तरीके से छक्का लगाने के बाद सभी खिलाड़ियों ने उनकी जमकर तारीफ करी और स्टैंड्स में उनके लिए तालियां बजाते हुए भी दिखे। तो बता दें कि महज 5 गेंदे खेलकर मोहम्मद शमी अपनी पारी में 10 रन लगा चुके थे। हालांकि इसके बाद फिर कप्तान विराट कोहली ने भारतीय टीम की पारी को घोषित करना ज्यादा जरूरी समझा और 347 रन बनाकर 9 विकेट के नुकसान पर ही भारतीय टीम पवेलियन की राह चल पड़ी। दोस्तों कप्तान विराट कोहली ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शाम होते वक्त अब गेंद ज्यादा स्विंग हो रही थी, जिसके बाद विराट कोहली एंड कंपनी ने मन बना लिया कि वह गेंदबाजी से बांग्लादेश की टीम के बड़े विकेट्स निकालने में कामयाब हो सकते हैं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही सेकंड इनिंग्स में भारतीय टीम की गेंदबाजी की शुरुआत हुई तो ईशांत शर्मा ने बेहद ही जल्द 2 विकेट अपने नाम कर लिए। फिलहाल बांग्लादेश की टीम पर 234 रनों की लीड है। 7 रन पर ही बांग्लादेश की टीम के 2 बड़े विकेट्स गिर चुके हैं, तो यह बात तो साफ है शायद भारतीय टीम लक्ष्य से पहले पहुंचने पर ही बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट कर दे और शायद इस मुकाबले को भी पारी के बड़े अंतर से जीत जाए। देखना बेहद ही रोमांचक होगा कि इस तरीके से भारतीय टीम इस गुलाबी गेंद से खेले जा रहे मुकाबले को जीतेगी। तारीफ करनी होगी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के जज्बे की, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद शमी और उमेश यादव पिछले कुछ मुकाबलों में छक्के लगाते हुए आए हैं, उससे पता चलता है कि वह मुश्किल समय में अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। परंतु दोस्तों फिलहाल मोहम्मद शमी के इतने बेहतरीन छक्के को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे दिन के खेल में अजिंक्य रहाणे तो 51 रन बनाकर आउट जरूर हुए थे, लेकिन विराट कोहली आज मैदान पर इतिहास रचने के मकसद से ही उतरे थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 159 गेंदों का सामना करके विराट कोहली ने न सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि एक ऐसा खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है जो कि आगे चलकर कोई भी भारतीय खिलाड़ी तो नहीं तोड़ सकता। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अपनी पारी के दौरान विराट कोहली ने 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। 159 गेंदों का सामना करके विराट कोहली ने 16 चौके जड़े और अपना शतक पूरा किया। यह विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में अब 27वां शतक हो चुका है। दोस्तों जो रिकॉर्ड विराट कोहली ने बनाया वह यह है कि विराट कोहली वही खिलाड़ी के नाम से जाने जाएंगे जिन्होंने पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच में गुलाबी गेंद से भारतीय टीम के लिए शतक जड़ा है। दोस्तों न सिर्फ विराट कोहली ने उस खिलाड़ी का खिताब अपने नाम कर लिया जिसने पहले बार गुलाबी गेंद से भारत में शतक जड़ा हो, बल्कि वह ऐसे पहले कप्तान भी बन गए जिन्होंने अपने करियर के पहले ही डे नाइट टेस्ट मैच के पहले मुकाबले में शतक जड़ दिया हो, तो यह रिकॉर्ड वाकई में नायाब है। अब आगे भविष्य में चलकर ऐसे बहुत कप्तान होंगे जो कि डे नाइट टेस्ट मैच में शतक जड़ेंगे, लेकिन जब ऐसे पहले कप्तान की बात आएगी तो सबसे पहले विराट कोहली का ही नाम सबके सामने आएगा। साथ ही विराट कोहली ऐसे पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं भारतीय टीम की तरफ से जिन्होंने भारत में पिंक गेंद से शतक जड़ा हो। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पिंक गेंद से खेलना उतना ज्यादा आसान नहीं, पर पिंक गेंद को कंपेयर किया जाए व्हाइट गेंद या फिर टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली लाल गेंद से तो आपको बता दें कि पिंक गेंद काफी अलग है। यह न सिर्फ खिलाड़ियों के हाथ में लगती है बल्कि बल्ले पर लगने के बाद गेंद में उतना ज्यादा पेस भी नहीं रहता। इसके बावजूद अगर विराट कोहली ने शतक जड़ा है तो इससे पता चलता है कि विराट कोहली किस मुकाम पर है। विराट कोहली के इस शतक व ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बाद न सिर्फ सारे देश बल्कि पूरे विश्व में उनकी सराहना की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल क्रीज पर विराट कोहली का साथ रविंद्र जडेजा दे रहे हैं। भारतीय टीम 150 रनों से ज्यादा की लीड बांग्लादेश की टीम पर चढ़ा चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि टीम एक बड़ा लक्ष्य बांग्लादेशी टीम को देगी और इस बात की भी पूरी संभावना जताई जा रही है कि हमारी टीम इस बार भी एक पारी से मुकाबले को जीत सकती है। परंतु दोस्तों फिलहाल तो विराट कोहली के शानदार शतक को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन दोस्तों इस वीडियो में हमें खास तौर पर अलग मुद्दे पे बात करने वाले हैं, एक ऐसा वाक्य जिसके बाद कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की जा रही है और वह भी सारी दुनिया में, क्योंकि आज बांग्लादेश की टीम की बल्लेबाजी के दौरान विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया कि सभी भारतीयों का दिल जीता है। आपको बता दें कि यह पूरा वाक्य पारी के 23वें ओवर का दौरान गेंदबाजी करा रहे थे मोहम्मद शमी और स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज नईम। दोस्तों आपको बता दें कि इस ओवर से पहले ही मोहम्मद शमी की एक गेंद पर बल्लेबाज लिटन दास चोटिल हो गए थे। गेंद उनके हेलमेट पर लगी थी जिसके कारण उन्हें मैदान से
बाहर ले जाया गया। परंतु 23वें ओवर की पहली गेंद तो मोहम्मद शमी द्वारा डाली गई कि ऐसी कटर बाउंसर थी जो कि गोली की रफ्तार से सीधा जाकर लगी बल्लेबाज नईम के हेलमेट में। दोस्तों यह गेंद इतनी ज्यादा तेज गति से नईम के हेलमेट में लगी थी कि वह गेंद लगने के बाद पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुके थे और आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंद कितनी तेज गति से नईम के हेलमेट में लगी होगी। खैर यहां पर ताज्जुब की बात तो यह रही कि अब बांग्लादेश की टीम के फिजियोथेरेपी